हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाबेरस किचन। आज राखी का त्यौहार है और साथ में सीताफल का भी सीजन चल रहा है, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ राखी स्पेशल डेजर्ट सीताफल रबड़ी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्री में बन जाती है, तो चलिए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। यहाँ पे मैंने 3 सीताफल लिए है, पके हुए सीताफल लिए है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए है गार्निशिंग के लिए, पिंच ऑफ इलायची, यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है 200 ग्राम और 1 लीटर दूध लिया है फुल फैट वाला। सबसे पहले हम सीताफल का पल्प निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है, इसमें हम सारा पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम इसमें छन्नी से ऐसे चम्मच से इसके प्रेस करके पल्प निकाल लेंगे पूरा। हमें इस तरह से दबाना है चम्मच से ताकि हमारे बीन्स अलग हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें ये पल्प मिलेगा। यहाँ पे हमने सारा ये पल्प निकाल लिया है छलनी में से और जो बीज को बचा था वो हमने हाथ से निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये पल्प रेडी है। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम अब दूध गर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ पे फुल फैट वाला दूध लिया है। हमने यहाँ पे सारा दूध डाल दिया है। अब हम इसे एक उबाल आने देते हैं। गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। ये हमारा दूध गर्म हो चुका है अच्छे से और उबाल भी आ रहा है और इसके ऊपर मलाई भी आ रही है। ये हमें मलाई का लेयर ऐसे दूध के अंदर ही मिक्स करना है अच्छे से और हमें लगातार चलाते रहना है और हमें इसे आधा रिड्यूस करना है दूध को हमारे। गैस की फ्लेम हमने लो मीडियम रखी है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है। यहाँ पे हमारा ये दूध लगभग आधा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालते हैं। इसकी जगह पे आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। हम इसे थोड़ी देर और रबड़ी को पका लेते हैं ताकि रबड़ी हमारी ठीक बन जाए। हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालने के बाद में लगभग इसे 5 मिनट चलाया है, हमारी रबड़ी को अच्छे से पकाया हमने। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिए।
और ये रबड़ी हमारी रेडी है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें सीताफल का पल्प ऐड करते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करना है ताकि पल्प हमारा रबड़ी में घुल जाए। ये हमारी सीताफल रबड़ी रेडी हो चुके है और इसे हम अब फ्रिज में थोड़ी देर के लिए चिल करने के लिए रखते हैं, फिर सर्व करते हैं। हमें इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से चिल हो जाए। चिल खाने में बहुत ही मजा आता है। तो हम अपनी सीताफल रबड़ी फ्रिज में से निकाल लेते हैं। तो ये हमारी सीताफल रबड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ा हम इसे गार्निश करते हैं मिक्स ड्राई फ्रूट से। वाह, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। हमारे काजू, बादाम और थोड़ा ग्रीन पिस्ता बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सीताफल रबड़ी को स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही क्रीमी लग रही है। थोड़ा हम टेस्ट करके देखते हैं। वाह, बहुत ही यम्मी और बहुत ही क्रीमी लग रही। तो आप ये सीताफल रबड़ी घर पे जरूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।